जय जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सभी लोग जुड़ जाइए देवाधिदेव परमात्मा को नमन करते हुए। आज की दिव्य साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। माँ भगवती पद्मावती माता जी की दिव्य उपासना एवं साधना हमारे जीवन को विशेष रूप से लाभदायी बने। मन ही मन तीन नमस्कार महामंत्र एवं कुलदेवी माता जी को याद करते हुए प्रभु भक्ति गुरु भक्ति के दिव्य आशीर्वाद से हम सभी के भीतर में एक मातृत्व शक्ति परम शक्ति की प्राप्ति हो। बड़े लेवल की सफलता जो भी हम काम कर रहे हैं उस सभी कामों के अंदर हम सभी लोग बहुत बड़े रूप से शक्ति को आकर्षित करें, साधना को आकर्षित करें और यदि भी साधना के प्रभाव से हमारे सभी के भीतर में परम शक्ति इष्ट शक्ति की प्राप्ति हो। ओम एम रेम क्लीम चामुंडाय विचे। जितने भी आपके परिचित लोग हैं उन सभी लोगों को ये मंत्र आप दे सकते हो। जिनको अपनी कुलदेवी पता नहीं है, जिनको कुलदेवी माता जी की कृपा चाहिए, वो सभी लोग ये साधना से ये आराधना से आप विशिष्टतम शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। नमो रेन दाम नमो सिद्धाम नमो आर्याण नमो जम नमो ले जाओ मेष वे नमो कर जो अपना शुभ मंगलान जिस वैसे मनो मंगलम ओम नमो भगवते वासुनाथाय ऋं दरेन्द्र पद्मावती सहिताय अर्थे मठे शुद्र व्यटे शुद्रां संपय संपय स्वाहा। सभी लोग अपने अपने कुलदेवी माता जी का नाम लिख दीजिए। जितने भी भाग्यशाली आज बैठे एकत्रित हुए हैं माता जी का बराबर दिया धूप जो भी आप सामान लेकर के बैठे उसको बराबर प्रगटा दीजिए। पूरे घर के अंदर स्प्रे कर दीजिए। माता जी की अद्भुत कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो। ऐसी शक्ति ऐसी भक्ति आज का पूजन सिर्फ आपको नहीं पूरे परिवार को हेल्प करने वाला बने, यही भावधारा के साथ में जी हम सभी लोग आज की दिव्य साधना करेंगे। बहुत बहुत मुठा सभी लोग म्यूट ही रहिए। दिया धूप यदि आपके पास दिया धूप प्रॉपर है तो सभी लोग ओपन कर दीजिए। आधा पौना घंटा दिया धूप चालू रखना है। पूरे घर का वातावरण जबरदस्त मंगलमय हो। बड़ी बड़ी सफलता आपके जीवन के अंदर प्राप्त हो इसी की भावधारा के साथ में आज की महामंगलकारी साधना करेंगे। नौपत जी का ध्यान करेंगे। दिवाली की तैयारियां कैसे करेंगे, कैसे आप चाहो मन चाह कार्य काली चौदस धनतेरस सारे सभी लोग यदि लोगों के अंदर बड़ी बड़ी साधना करते हुए अपने संकल्प को परिपूर्ण करते हैं तो ऐसी जगत जननी माँ भगवती पद्मावती माता की अनन्य कृपा आप सभी लोग प्राप्त करो। यही भावधारा के साथ में आज की हम साधना का शुभारंभ कर रहे हैं। दिया तो चालू कर लो। यदि आपके पास अष्टगंध है अष्टगंध का कपाल में तिलक कर लो। तिलक जरूरी है, तिलक करना बहुत जरूरी है क्योंकि विजय उन्हीं का होता है जिनका कल्पना बेन हर्षा के से। बहुत बढ़िया, सभी लोग बराबर वीडियो ऑन करते हुए आपका मंदिर बराबर दिखा दीजिए। माँ भगवती पद्मावती माता जी के कुछ मंत्र आज आपको बताने वाला हूँ। वो कल कद्दू से बराबर आपको पूरे घर में से नजर निकालना है। 10 यंत्र पावरफुल यंत्र बनाना आपको सिखाने वाला हूँ जो यंत्र के प्रभाव से आप अपने लिए अपने परिवारजन के लिए अपने सगे संबंध के लिए सारे लोगों को आप इसी दिव्यतम शक्ति को दे सकते हैं। भगवती पद्मावती माता का एक बड़ा मंत्र के साथ में आज की जाप ध्यान साधना का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते त्रिपुरोषि सर्वाभिरभूषिते पद्मनयने पद्मपद्मभृते पद्मकोशिनी पद्महस्ते श्रीं ह्रीं कुरु नमः। मम हृदयं कार्य कुरु कुरु मम शान्तिं कुरु कुरु मम स्वराज्यं कुरु कुरु सर्वलोकवश्यं कुरु कुरु मम सर्वश्रीकोश्यं कुरु कुरु मम सर्वभूत प्रेत पिशाच हर हर रो सर्व रोगान छिन्द्र छिन्द्र सर्व मंत्रान भिन्द्र भिन्द्र सर्व विषम छिन्द्र छिन्द्र सर्व काकिनी छिन्द्र छिन्द्र ओम श्री पार्श्वनाथ पादाभ्य युगाय नमः। ओम राम रीम रूम रो श्री पार्श्वनाथ स्वा सर्वराजा सर्वजन सर्व स्त्री पुरुष वश्य ओम आम करो प्रेम देवी पद्मावती त्रिपुरकाम शांति दुर्जनानि विनाशिनी त्रैलोक्य शोभनि श्री पार्श्वनाथराणि ब्लूम ब्लूम दुष्टाना हन हन पुरुषो गुरु कुरु रीम सर्वोषट स्वाहा। मम कार्याणि साधय साधय रूम पट स्वाहा। ओम आम करो प्रेम रूम रूम स्वे देवी पद्मे सर्व जगत वश्यम गुरु कुरु सर्व विज्ञान नाशय नाशय। ओम आम करो प्रेम दाम दीम ब्लूम ब्लूम सर्व धर्मलिम पद्मावती त्रिपुरु जनाम शोभय शोभय मम पादयो पाताय पादय आकर्षण रीम नमः।
ओम आं ग्रों ह्रीं मम पापं फट 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 दह दह हन हन पच पच पाजे पाजे हम क्षम ग्लां क्षीं वयं वयं क्षां क्षीं चूं चीं चौं स राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रा राम ह्रीं द्रौं क्रीं द्रावेन्द्राय नमोर्ते भगवते श्रीमते ठा ठा भों श्रीरस्तु कुश्लेषु कल्याणमस्तु नमः स्वाहा। जितने भी लोग आज पूरे पूजन में वीडियो ऑन करके बैठेंगे, बराबर पूजन करेंगे, पूजा करके मुझे फोटो भेजेंगे, जो पूजा मैं आपको कराने वाला हूँ ये पूरी पद्मावती माता जी की पीडीएफ बुक। अभी तक मैंने 150 से ज्यादा मंत्रों की पद्मावती माता जी की आराधना की है, वो सारी पीडीएफ क्लास के बाद आपको मेरी ओर से गिफ्ट है। ये आप जो पहला नंबर का फोटो देख रहे हो बुक का, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देना, ये पद्मावती माता जी का मेरे जिंदगी की साधना की प्रथम साधना। माता जी ने मुझे संकेत दिया था कि तू 1.25 लाख कमल से मुझे पूजा कर। तो पहली बार अहमदाबाद नवरंगपुरा के अंदर, और माता जी मैं तो उस टाइम तो मैं बहुत छोटा पंडित था कि मेरे पास कोई 2-5 लाख के भी क्लाइंट नहीं आते थे। तो माता जी को मैंने बोला कि मैं आपको को 1.25 लाख कमल कैसे चढ़ाऊंगा, एक कमल हम मान के चलो तो मिनिमम 10 रुपए का आता है दिवाली के दिनों के अंदर। दिवाली के दिनों के अंदर की 3-4 पंडित जी, सामने से ही एक लड़का हिमांशु नाम का लड़का बंबई से आता है, कोई पहचान नहीं, हो सीधा पहली बार में उन्होंने मुझे 15 लाख रुपए दिए थे। ये करीबन मैं लॉकडाउन के पहले 2019 में लॉकडाउन था, 2017 या 18 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ऐसी जगत जननी है, इसके पास कोई चिंता कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, सब कुछ है। वो सारी चीजें इसके अंदर, हर महिला को अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए कैसे पद्मावती माता की कथा करनी चाहिए, वो सारी कथा हर शुक्रवार को कैसे आपको एकाशना करना है, माता जी का जो 108 नाम स्मरण है, आज 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 एमबिल किस किन लोगों को लोगों ने किया है, ओली जी कर रहे हैं, हमारे में से कोई साधक है जो ओली जी कर रहा हो ऐसे हाथ ऊपर करो, ओली जी कोई कर रहा हो तो हमारे वो निमिषा बहन जबरदस्त, निमिषा बहन है, प्रीति बहन है, और कौन है, तृष्णा बहन, तृष्णा मीना जी कर रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और बहुत सारे लोग और कर रहे हैं, आस्का जी बहुत बढ़िया, जो जो भी लोग, आज कौन से नंबर का डे है ओली में, आज कौन से नंबर का दिन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नमो सिद्धार्थम, देखो अलग अलग प्रकार से जो हीलिंग होता है उस पर आज मैं आपको स्पेशल एक और जबरदस्त प्रकार की भक्तामर से, भक्तामर को भी, भक्तामर के साथ भी मेरा नाता कैसे जुड़ा, जैसे आप मेरे पुराने 2015-16 का वीडियो आप देखोगे तो मैं पूरे भारत में घूम घूम करके बंबई से लेकर के चथे चेन्नई तक, पूरा राजस्थान, पूरा पंजाब, उस वक्त ना हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, बस के अंदर पांच पांच छह छह जो झोला उठा उठा करके गांव गांव जाते थे, और अभी तक हमने हजारों परिवारों को नवकार मंत्र की आराधना कराई। नवकार मंत्र का एक जुम्बेश चलाया था, 500 अभी शत्रुंजय महातीर्थ की हमारी 7 साल के बाद 500वीं ध्वजा आ रही है, तो हर व्यक्ति को कहते थे कि आप 9 लाख नवकार मंत्र गिनो, और हजारों लोगों को नवकार मंत्र के लेखन की, नवकार मंत्र के जाप की, और नवकार मंत्र के भाष्य आराधना की, मुद्रा विज्ञान की सारी किताबें बांटी, लाइव क्लास करते थे, घर घर जाकर के सिखाते थे, और यही नवकार आराधना 2 साल तक मैंने कराई। और उसमें फिर जब मैं अफ्रीका के अंदर था और मैंने वहां देखा कई सारे हमारे जैन जो है वो अजैन हो चुके थे, कई सारे इधर उधर भटक रहे थे, उनको प्रॉपर न ध्यान का मार्ग मिल रहा था, तो उस वक्त जब मैं उदयपुर के अंदर साधना कर रहा था तो वहां पर माता जी ने मुझे संकेत दिया कि तुझे भक्तामर हीलिंग शुरू कराना है, और आप बिलीव नहीं करोगे 2018 में मुझे संकेत मिला। उसके बाद भी उदयपुर में भी जब शिविर मैंने कराई तो 10 लोग, इतना खर्चा किया कोई नहीं आया, तो भी मन उदास नहीं हुआ कि माता जी ने मुझे बोला है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला ही है। और खास करके 21 तारीख को मेरा बर्थडे था, और अहमदाबाद के अंदर और ऑल ओवर इंडिया में 23 तारीख से लॉकडाउन लग गया, तो 2019 से आज करोड़ों लोग भक्तामर सीख चुके हैं। कभी कभी जब मैं अकेला बैठ के सोचता हूँ कि कैसे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग, अभी मुझे 2-4 लोगों ने फोन करके बोला कि अगले बार मैंने लक्ष्मी कलश की पोटली के अंदर सोने का सिक्का रखा था, आज मैं वीडियो बना के डालूंगा, इतने एक साल में उन्होंने कल्पना नहीं की उससे ज्यादा उनके लाइफ के अंदर चमत्कार हुआ है। तो छोटी सी चीज, ये सारी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, और मेरे साथ जुड़ो इसके लिए चमत्कार हो रहा है,
आपकी जब अटूट श्रद्धा पत्थर के ऊपर भी आ जाएगी, एक माला के ऊपर भी आ जाएगी, आज हजारों लोगों ने कुलदेवी पोटली की स्थापना की है, घर का वातावरण चेंज हो गया है, तो ऐसा पलक के अंदर माँ भगवती कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा पार्षद और पद्मा की परम अधिष्ठाई का पद्मावती माता सभी लोग दोनों हाथे से आगे कीजिए, मंत्र स्नान अपन करते हैं आज, ऐसी माता जी को 108 अलग अलग नामों से संस्मरण करते हैं, और वो नवकार मंत्र के, वो माता रानी के संस्मरण के साथ में हमारे सारे अंगों के ऊपर, 24 अंगों के ऊपर आज हम तीन चीज सीखने वाले, एक तो नमस्कार महामंत्र से हीलिंग सीखने वाले हैं, एक पद्मावती माता जी का 108 बार हम जाप करने वाले हैं, और हर अंग के ऊपर, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है तो हर अंग के ऊपर कैसे तीर्थंकर भगवंत के मंत्र से आप लोगों को स्वस्थ कर सकते हो, तो वो हर अंग की साधना भी हम आज पूरी तरह से सीखने वाले हैं। ऐसे याद रखिए, नमो रसिदाचार्य रोजा दुभ्य ओम नमो निर्मलाय रुद्रजलाय पाम 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 झीम सीम असुचिष्ठिर्भवामि स्वाहा। अपने पूरे शरीर के ऊपर कर दीजिए, यदि आपके पास घी कम है तो कम से कम सुगंध रूप धूप अगरबत्ती चालू कर दो, कम से कम अगरबत्ती से पूरे घर का खास करके वातावरण सुगंधमय हो, सभी को करना ही है। देखो ये सारी चीज भाव 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 से नहीं करनी है, कुछ चीजें आप करोगे उसका प्रभाव आपको तुरंत दिखने को मिलेगा, उसमें अरोमा थेरापी है, दीपक थेरापी है, धूप थेरापी है, ये तो आपको इंस्टेंट इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले हैं। ओम परमेश्वरी नमस्कारम सारम नोबदात कुमात्म रक्षा करम वज्र बंजरा मोसुराम यम ओम नमो अरियंताणम शिरस्कम शिरसेष्टिकम मस्तक के ऊपर हाथ, ओम नमो सब सिद्धाणम मुखे मुख प्रणाम वरम, ओम नमो आय हरियाणम रक्षा दिशाइनी, ओम नमो उपजायणम आयु नमस्तयो नम, ओम नमो लोय सब साहुणम मोसगे पादयो सुभे, एषो बंजर मुक्कारो शीला वज्रमयी कले सब भाव प्रणाशनो वप्रो वज्रमय वही मंगलाणम जो सभ्य शिव खादिंगारिका स्वाहम दम चम दम नयम प्रोंग वै मंगलम वप्रो परिवज्रमयम विदानम देय रक्षणे महाप्रभावा रक्षेयम शुद्रो भद्रोनाशिनी परमेश्वरी वदद्भूता कलिता पूर्वसूरिवीम यस्येवं गुरुते रक्षा परमेश्वरी उपदेशदा तस्य न स्याद्वयं व्याधिराधिश्चापि कदाचन। ऐसे याद रखो, समय समय पे शनिवार को, अमावस्या को, अपने जितने भी कॉर्नर है कोशिश करना 10-11 बजे जैसे खत्म हो जाओ एक आध अगरबत्ती सुगंधित ले लेना है, तो जितने भी पर्दे रहते हैं कॉर्नर रहते हैं वहां पर स्लोली स्लोली थोड़ी थोड़ी 2-3-3 बार ऐसे अगरबत्ती घुमा करके वो सब जगह के ऊपर, क्योंकि कॉर्नर के अंदर हमेशा ज्यादा एनर्जी रहती है, वहां पर यदि लंबे समय से आपने शुद्धिकरण नहीं कराया, अभी हमारे पास एक परिवार पत्रिका दिखाने के लिए आया था, सारा सुख है, सब कुछ है, बढ़िया है, वो ONGC के अंदर उसके हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन इनके घर के अंदर इतना पुराना घर है, घर में से पोपड़े गिर रहे हैं, कलर खत्म हो गया है, पति पत्नी के बीच में इतने झगड़े होते हैं, और उन्होंने आकर के बोला कितने साल पुराने न्यूज़पेपर पड़े हैं, सड़ा हुआ सामान नहीं फेंक रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे, और इनके कारण, ये सारा रखने के कारण उनकी बेटी के ऊपर डिप्रेशन आ गया। ईशान कोने में टॉयलेट तो था ही था, लेकिन इतना घर में कचरा, अभी दिवाली वैसे मौका दे रही है तो बिना काम के जितने भी कपड़े हैं, बिना काम की बंद घड़ियारे, इलेक्ट्रिक बंद सामान आपके शुक्र को खराब करता है, तो ये बिना बंद पड़े चार्जर है, बिना बंद पड़े जो घड़ियार है, वो सारी चीजें आपको फटाफट फटाफट निकाल करके फेंक देना है। ऐसे याद रखिए, क्षेत्रपाल देवता घर के अंदर जो भी अधिष्ठायक देव है, बोलिए सभी लोग, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। ओम श्याम जीम जूम जैम सोम जन्म क्षेत्रपालाय कृष्ण गौर गांजल ब्रह्मणाय काल मेघनाथ गिरिवर्धनाय क्षेत्रपाल महाराज की जय। दुनिया भर की देखो, सारी महिलाओं को एक प्रेम से आपको बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर की सीरियल, टीवी, हीरो हीरोइन के बारे में जानना, वो सब कुछ बढ़िया है, आपका शौक है, एंजॉय का टाइम है, करो, लेकिन हमेशा अपने को पता होना चाहिए कि मेरा घर का दरवाजा कौन सी दिशा में है, मेरा बेटा बेटियों का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कौन सी दिशा में सो रहा है, पंचांग क्या है, पांच अंग तिथि क्या है, करण क्या है, इतने सारे लोग, एक छोटा सा आपको प्रश्न पूछता हूँ,
आज इतने सारे लोग क्लास में आए हैं, आपका नक्षत्र जो है वो मुझे टाइपिंग करके भेजो। सभी लोग अपना नक्षत्र, जन्म नक्षत्र क्या है? अश्विनी भरणी कृतिका मघासिर्क। आपका नक्षत्र क्या है? जिनको पता है वो सभी लोग टाइपिंग फटाफट फटाफट करोगे। आपका नक्षत्र क्या है? बहुत अनुराधा नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी, ज्येष्ठा, योगिता जी, यस, वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र, भक्ता मुनि, ज्येष्ठा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र, यस। तो हमेशा अब इसके नीचे लिख लो, पहले नंबर में जिसको नहीं पता है वो सभी लोग आद्रा, जो जिसको भी नहीं पता है वो सभी लोग कोशिश करो कि अपने नक्षत्र की जो जो वॉलपेपर है गूगल के ऊपर, सारे नक्षत्र के नाम डालेंगे तो उन सभी के वॉलपेपर मघा नक्षत्र, एक नक्षत्र का एक प्रभाव है। अभी नवरात्रि के अंदर एक एक नक्षत्र जो आ रहा है, पुष्य नक्षत्र आ रहा है, अपने जैन धर्म के अंदर एक सबसे बड़े महाराज साहब है, जो महाराज साहब जी का नाम है आचार्य भगवान जगवल्लभ सूरी महाराज साहब, कि जिनके ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से अभी तक लाखों लोगों के जीवन के अंदर चमत्कार हुआ है। एक दिन के अंदर वो लाखों लाखों रुपए के अनुष्ठान कराते हैं, धर्म चक्र तप कराते हैं, और हर पुष्य नक्षत्र में दो सामायिक को कराते हैं पुष्य नक्षत्र के अंदर, और करीबन 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से हजारों लोग वो जहां पर भी गुरुदेव होते हैं वहां पहुंच जाते हैं, और उसका मैक्सिमम उन्होंने बेनिफिट उठाया है। तो ये पुष्य नक्षत्र है। हमारी बात चल रही थी स्वाति नक्षत्र, बारिश तो इतना चारों तरफ बरस रहा है, देखो नक्षत्र की जबरदस्त कोटि की महिमा है, तो कि बारिश तो इतना चारों तरफ जब पड़ रहा है, लेकिन जब भी स्वाति नक्षत्र चल रहा हो दरिया के अंदर, आप कल्पना करो कि बंबई का दरिया या दुनिया भर में जितना भी बड़ा समंदर है उसके अंदर कितना पानी गिरेगा, तो कि हजारों लीटर पानी गिर सकता है भयंकर कोटि के चातुर्मास के बारिश में, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र चल रहा है तो स्वाति नक्षत्र के अंदर ऐसा छिप खुला रहता है, तो ये छिप के अंदर स्वाति नक्षत्र हो और वो नक्षत्र के अंदर पानी का बूंद गिरता है, दुनिया के अंदर ये जितने भी रियल मोती होते हैं, जो चंद्र का मोती आप पहनते हो, भी अमेरिकन और ये चाइना वालों ने आर्टिफिशियल बना दिया है, बाकी रियल जो बसरे का मोती जो होता है वो खास करके छिप के अंदर पानी का बूंद का वो छिप बन जाता है। उत्तराषाढ़ा, मुरुग नक्षत्र, यह स्वाति नक्षत्र का पानी आपके पास बोतल में भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हम सभी लोग एक एक चीज को देखेंगे। इलायची सभी लोग लेकर के बैठ गए हैं, इलायची सभी लोग ऐसे करो, कौन कौन लोग इलायची लेकर के बैठे हैं? बहुत सारे लोग पूजा में बराबर सामान लेके नहीं बैठ रहे हैं। आपको समझ लेना है कि आप बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को गुमा रहे हो, और जिस दिन नीचे रख दो, जिस दिन आप प्रॉब्लम में आओगे तो हजारों लाखों रुपया आपको ऐसे ही देना पड़ेगा, ये छोटे छोटे अनुष्ठान, और दूसरे नंबर में लाख रुपया भी दे दोगे, लेकिन अभी जो 100 लोग साथ में पूजा कर रहे हो कैसे करा पाओगे? जगत के अंदर एक ही चीज है, सामूहिक पूजा का ही प्रभाव है। सामूहिक पूजा से हमेशा पुण्य जो है मल्टीप्लाई होकर के बढ़ता है। पहले में माता रानी का जो है 27 नाम आपको सुना रहा हूँ, वो 27 नाम जब सभी लोग, आप लोगों ने आखिरी में कौन से पद्मावती माता जी का दर्शन किया था? आखिरी में कौन से पद्मावती माता का दर्शन किया था? जगत के अंदर हजारों जगह के ऊपर शक्तिपीठ है, मुंबई वाले के पास मुंबई में बालकेश्वर के अंदर से पद्मावती माता है, अहमदाबाद के अंदर नरोड़ा, राम रिंपल जी अहमदाबाद, निमिषा जी अहमदाबाद, यस, नरोड़ा के अंदर पद्मावती माता है, अहमदाबाद में एक और देरासर धरणीधर देरासर है, जहां पर रविवार को इतना मेला होता है, और वहां के धरणीधर पार्श्वनाथ भगवान, संकेश्वर के अंदर पद्मावती माता, संकेश्वर में कहां पर पद्मावती माता जी का जो मेन मंदिर है वहां पर, यस, संकेश्वर के अंदर जो मेन मंदिर है वो मेन मंदिर के जैसे गेट के लेफ्ट हाथ में आप देखते हो दूसरी तीसरे नंबर की जो डेयरी है वहां पर भी पद्मावती माता हाजरा हजूर है, धरणी माता, गोड़ी जी, कृष्णगिरी के अंदर पद्मावती माता विराजमान है, तो खास करके कर्नाटक के अंदर अंबुजा के अंदर है विराजमान है, और भी बहुत सारी जगह है कि जहां पर माता जी इतने पावरफुल रूप से विराजमान है, तो ऐसी माता जी का संस्मरण करते हुए
माता जी को प्रणाम करते हुए माता जी का कुछ मैं आपको मंत्र सुनाता हूँ, और उसके बाद 27 बार सभी लोग बराबर, जब भी मैं आपको श्लोक सुनाऊं तब आपको आंखें बंद करते हुए पद्मावती माता जी को प्रार्थना करना है कि इस दिव्य साधना से मुझे रोम रोम के अंदर सफलता मिले, मेरे पतिदेव की खूब प्रगति मिले, मेरे बेटा बेटी जो जो भी कार्य है, हे जगत जननी पद्मावती माता, पूरे विश्व भर के अंदर नवरात्रि के दरमियान लाखों करोड़ों साधक आपकी पूजा भक्ति अनुष्ठान साधना करते हैं और सभी के संकटों को आप दूर करते हैं, सभी की मनोकामना परिपूर्ण करते हैं, तो आज मैं आपको पूर्ण श्रद्धा से आपकी भक्ति कर रही हूँ, तो मेरी प्रार्थना, मेरा संकल्प, मेरी साधना को भी परिपूर्ण कीजिए। ओम नमो भगवती देवी पद्मावती यही रीम स्वाहा। ओम नमो भगवती देवी पद्मावती अन्नत्र सहिता भव स्वस्थापनम। ओम नमो देवी पद्मावती रीम गंधा गृह गृह अर्चनम। ओम नमो भगवती देवी पद्मावती स्वस्थानम गच्छ गच्छ स्वाहा। ऐं क्लीं सौम ह्सौं पद्मावती मौः सर्वजगद्वश्यं कुरु कुरु ह्रीं शम्भोर्षट्। ॐ अर्हं नमः सिद्धिं ॐ ह्रीं पद्मावत्यै ॐ ऐं क्रों ह्रीं क्लूं कामरूपे सर्वजगदस्य पद्मावत्यै नमः। ऐं क्लीं ह्सौं पद्मावती मौः जगद्वश्यं कुरु कुरु ह्रीं शम्भोर्षट् स्वाहा। श्री प ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ पक्षी राम ह्रीं रूं ह्रीं रौं राम आत्मसकलीकरणं मन्त्रम् ॐ आं क्रों ह्रीं ऐं सौं सौमं पद्मे नमः। ओम अत्रा शस्त्राय फट अस्त्राय नमः। ओम नमो भगवती यही रीम स्वाहा। ओम नमो भगवती देवी अत्र सन्निहिता भव स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती रीम गंधा रीम गुरु गुरु अर्चनम स्वाहा। देखो ये दिनों के अंदर संध्या के समय जब भी आप आरती करते हो तो थोड़ा सा इत्र लगाना है, गंध लगाना है, सुगंध से हमेशा देवी मैया बहुत प्रसन्न होती है। ओम नमो भगवती पद्मावती स्वस्थानम गच्छ गच्छ फट। ऐं क्लीं ॐ ह्सौं पद्मावती मौः सर्वजगदस्य गुरु गुरु ह्रीं शम्भोर्षट्। मंत्रोद्य नेवेद्य अग्निकाय तु स्वाहा। जो आपका दीपक है उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाओ। अग्नि चालू कर दिया है ना सभी लोग, थोड़ा सा हाथ में गर्मी लगे वहां तक नजीक लेकर के आना। मेरे शरीर में जितने भी नकारात्मकता है, किसी का नजर कामण कुटन बंधन आदि जो जो भी दोष है, आपके इस दीपक के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से मैं पूरा कंचन काया हो रहा हूँ। ओम आम क्रोम रीम असो देवी पद्मे जगदगदस्यम गुरु गुरु सर्व विघ्नाय नाशय नाशय पूरम शोभम गुरु गुरु रीम सर्व षट स्वाहा। प्रत्यम स्मरणा शुभम भवति पौष्टिके संभोषट वशरणे वसर पूजायाम जापम च रक्त कर्ण मीर कुसुमे द्वाद सहस्र पूजायाम। ओम ह्रीम नमः मूल सिद्धि स्वाहा स्नान मंत्र। ओम विद्युत जीव ज्वाला वा ज्वालिनी ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल धग धग धुमान कारणी देवी पूरक शोभम गुरु गुरु मन चिंतनम कराय कराय। ऐं ह्रीं हा स क्लीं शोभणी नमः। और सबसे पावरफुल विद्या ओम अमृते अमृतोत्तम अमृतवर्षणी अमृतम श्रावय श्रावय सर्वलोकान प्लावय प्लावय र र स्वाहा। बोलो पद्मावती मात की जय हो। गरम हाथ जो है वो मुंह के ऊपर घुमा दीजिए। चलो अभी 108 बार पूजन करना है, सभी लोगों को नमः 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 बोलना है, और पहले 27 बार आपको इलायची से पूजन करना है। आपकी जो कुलदेवी माता जी को आपको जो यंत्र दिया है, जिनको कुलदेवी नहीं पता है वो कुलदेवी इनको जल्दी जल्दी पता होगी, आज ही माता रानी आपको स्वप्न में आके संकेत देगी, कल की बात ही नहीं है। ऐसी भावना से अभी 20-25 मिनट पूजा करो कि जो भी आपका रुका हुआ काम है, हे माता रानी आपको ही कुलदेवी मैया आपको ही मेरा पूरा करना है, आप जगत जननी हो और आपकी मैं पूजा कर रहा हूं, इसके बाद मुझे दुनिया में कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। ओम रे महादेवे पद्मावत्ये नमः। पूजन करो नमः, पहले 27 बार उस इससे करना है इलायची से, फिर इलायची थोड़ी सी साइड में कर देना, क्योंकि यही इलायची आपको खीर में, भोजन में, चाय में, जहां पर भी, ये इलायची आज से आपका प्रसाद बन जाएगी। आपको पता चले कि आपका भाई बहन स्नेही स्वजन कोई बीमार है, घर पे आया है दिवाली में, तो उसको दो इलायची दे देना, शाम को पान बना रहे तो पान में डाल देना। सबसे ज्यादा कल जो है अष्टमी के दिन हो सके तो आपके आसपास में पान मिलता है, सभी बराबर नोट कर लेना, माता जी के 56 भोग के अंदर पान का बहुत बड़ा महत्व है। रोज अलग 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 भोग चढ़ाओ, ये 100 200 500 रुपए के भोग आपकी जगत जननी 100 200 500 करोड़ के आपको मालिक कब बना देगी पता ही नहीं चलेगा। माता जी का सर्वश्रेष्ठ भोग पान है। तो एक वक्त जब माता रानी को पान चढ़ा रहा था तो एक कवि ने प्रश्न पूछा कि भाई पान क्यों चढ़ाना है, दुनिया भर की दाड़म पपीता अनार मौसम्बी चीकू दुनिया भर के फल है, दाड़ जो कलाकंद रबड़ी बर्फी मोहनथाल मोतीचूर घेबर
ये सारी मिठाई चढ़ा दिया, सारी सब्जी चढ़ा दिया, दुनिया भर की सारी चीजें चढ़ा दिया, लेकिन पान क्यों चढ़ाना है? तो ये पान इसलिए चढ़ाना है कि ये चढ़ाने के बाद जब माता जी के जो होठ है, जैसे लोग पान खाते हैं तो होठ कैसे हो जाते हैं सबके, लाल हो जाते हैं, लंबे समय तक ये मेमोरी मगज में याद रहती है, लोग उसको बार बार देखते हैं। तो हमने जो ये माता रानी की पूजा की है, कल सभी लोग जो है आपके आसपास में कहीं से भी पान मिलता है तो ला करके अपने मंदिर में प्लेट में रखना है, आधा घंटा 1 घंटे तक, फिर आप प्रसाद के स्वरूप में घर के मेंबर को खा लेना है। नमः 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 करते रहे, 27 पहले इलायची है, जिसके पास 108 है वो 108 से करेंगे, जिसके पास 27 है 27 से करेंगे। ओम रीम श्री महादेवे पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम कल्याणे पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्री भुवनेश्वरी है। ये भुवनेश्वरी जो है, खास करके जो भुवनेश्वर गांव के अंदर जो विराजमान है, माता जी का 1008 नाम है। मैंने आपको बताया था 51 शक्तिपीठ माता जी के, कल जो मणिभद्र जी में हमने सुना था कि मणिभद्र जी के 3 जगह पे टुकड़े हुए और 3 पीठ, मगरवाड़ा उज्जैन और आगलोड, 3 जगह के ऊपर शक्तिपीठ बने। माता रानी की खास करके 51 शक्तिपीठ है और गुजरात में इनका हृदय छाती गिरा है। अंबा माता जो खास करके विराजमान है, अंबा जी, कभी आप माउंट आबू जाओ तो अंबा माता जो है वहां पर माता जी का जो जो है छाती का भाग गिरा हुआ है। तो इस प्रकार से के जो अलग अलग जगह भुवनेश्वरी के अंदर विराजमान है, चंडी के स्वरूप माता रानी है, इसके लिए मंत्र जाप के साथ में ओम रीम श्रीम चंडे पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम कांतान्य पद्मावत्ये नमः। जिन्होंने कहीं पर पैसा दिया है और सामने वाला फिर गया है, पैसा आपको वापस नहीं दे रहा है, तो एक जगत का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ओम कार्तवीर्य जुनो नामना राजा बाहु सहस्रवाण तस्य स्वर्ण मात्रेण गतम नष्टेश्च लभ्यते, कि गए हुए पैसे भी हमारे पास इस मंत्र साधना से वापस आ जाते हैं। तो ओम रीम नमः कार्तान्ये पद्मावत्ये नमः, पूजन करो। उत्तर दिशा की अधिष्ठाई की गौरी देवी है, कल हमने दिशा के वाइज जो सारी चीजों को समझा था, तो कि ओम रीम गौरी पद्मावत्ये नमः, ओम रीम जिनद्रम्हपराण्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रीम पंच ब्रह्म पदारिण्ये पद्मावत्ये नमः। सभी लोग नमः नमः जोर से बोलना है, क्योंकि आपके घर में आप ही अकेले हो कि जिसके अंदर भीतर में से शक्ति निकलेगी और बाकी के सारे लोगों को, घर में सारे मेंबर एकदम ऊर्जावान बने। तो 100% एनर्जी के साथ में नमः 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 बोलते बोलते मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे चाचा को, मेरे मामा को, हे पद्मावती माता आपकी दिव्य ऊर्जा से भर दीजिए। ओम रीम श्रीम पंचगुरुणोपेताय पद्मावत्ये नमः, ओम रीम पंचमंत्रोपदेशिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम पंचकल्याणदर्शिने पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम सीये पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम तोतलाय पद्मावत्ये नमः, नमः नमः नमः। थोड़ा जोर से बोलो, धीरे ढीला नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको ऊर्जा को रिसीव करना है। तो शरीर का सारा गैस है, पित्त है, वायु है, उसको बाहर निकालो और नमः के तरंग पूरे आपके रूम में भर जाए और वो माता के दिव्य नाम से वापस सहस्रार चक्र से आपके पूरे शरीर में स्वीकार करो। ओम रीम श्रीम सिंह पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम तोतलाय पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम नित्याय पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम त्रिपुराय पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम कामसादिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्रीम मदनोमालिन्ये पद्मावत्ये नमः। जैन दर्शन के अंदर, वैदिक दर्शन के अंदर 10 महाविद्या बताई गई है। 10 महाविद्या की साधना जो भी साधक करता है परम सिद्धि की प्राप्ति करता है। लेकिन अब 10 महाविद्या किसी शत्रु ने आपके ऊपर संहार कर दिया है, कोर्ट केस लगा दिया है, बड़े बड़े लीगल आपके ऊपर स्टेप लिए है, कोई ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हुआ है, अभी चारों तरफ देखो जिस प्रकार से हमारे पद्मावती माता पाणिपत्र राधा की भक्ति करते हैं, इस प्रकार कितने सारे असुर लोग है, दुष्ट लोग है, वो एलियन की भक्ति करते हैं। और वो एलियन को जो मजा किससे आती है, एलियन को मजा जितना ज्यादा आप तड़पोगे, जितना ज्यादा आप हैरान करोगे, उसमें भी दो प्रकार अच्छे एलियन एंजल बोलते हैं, शुभ एंजल है और अशुभ एंजल भी है। कितने घरों के अंदर, कितनी जगहों के अंदर रात को पथारी को क्यों घड़ी कर देना है, तो कि वो सारे दुष्ट देव जो है वो आपको जितना ज्यादा आप तड़पोगे आपके शरीर में आ जाएंगे। तो बहुत सारा भूत की तरह आप खाना खाते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं इतना क्यों खा रहा हूँ। तो कुछ लोग कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, तो कि ऐसा प्रकार का कोई प्रयोग हुआ है। तो बगला मुखी नाम की जो देवी है 10 महाविद्या में,
तो 10 महाविद्या की भी आप साधना एक मंत्र से करना चाहते हो, जगत जननी पद्मावती माता जी के, तो माता जी का मंत्र है 18वें नंबर का, ओम रीम विद्याय पद्मावत्यै नमः। विपुल मात्रा के अंदर महालक्ष्मी माता, जब जब भी आप लोग मणि लक्ष्मी का तीर्थ देखते हो, जब जब भी आप बड़े बड़े तीर्थ को देखते हो, वल्बीपुर से पसार होते हो और आपका मन करता है कि मुझे आने वाले समय के अंदर बड़ा एक लाभ लेना है, पोष दशमी का भी अट्ठम आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि हजारों लोगों को अट्ठम कराऊं, तो के महालक्ष्मी की कृपा के लिए ओम रेम से महालक्ष्मी पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सिम सरस्वती पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सिम सारदीसाए पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सिम सर्वशास्त्रोपदेशिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सिम सर्वेश्वरीय पद्मावत्ये नमः। कल का जो दिन है दुर्गाष्टमी, दुर्गाओं की भी जो महारानी है, ओम रेम श्री महादुर्गाए पद्मावत्ये नमः। जगत के अंदर एक ही ऐसी देवी है कि जिनको 3 आंख है, कृष्णगिरी के अंदर जब मैंने प्रतिष्ठा कराई थी तो बराबर 3 साल तक मैं कृष्णगिरी के अंदर रहा, और पूरे भारत में एक ही ऐसी देवी है कि जिनकी 3 नेत्र है, 2 आंख तो है वापस बीच में एक जो माता जी की आंख है, तो कि माता जी आपके त्रिनेत्रा, इनका नाम है त्रिनेत्रा, ओम रीम त्रिनेत्राय पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्री फणि से करिए पद्मावत्ये नमः, ओम रीम श्री जटा बालेंद्र मुकुटाय पद्मावत्ये नमः। 27 मंत्र परिपूर्ण हो गया। अभी आपके पास और ज्यादा इलायची है तो पूजा कीजिए, नहीं तो ये इलायची को थोड़ी सी साइड में कर दीजिए क्योंकि इसको खाने का है, बराबर है, तो इसमें वासस्केप का या कोई भी प्रकार की खुशबू अंदर ना आ जाए। आपके पास 108 इलायची है तो सभी इलायची से करो, नहीं है तो बाकी के मंत्र आप वासस्केप से, चावल से, जो भी आपके पास अगरबत्ती भी है तो यंत्र के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो यह यंत्र नहीं है, साक्षात माता जी का स्वरूप है। ओम रेम सिम कुल कुरुरो गुवाहिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सिम चतुर्मुखे पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सिम मा ऐसा है पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सिम महादुर्गाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सिम गुरुश्वरीय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री नागराज महापत्ये पद्मावत्ये नमः। दुनिया में जितने भी सर्प है, जिसको रात को सांप दिखते हैं, जिसको नींद नहीं आती है, वो सभी लोग दुनिया में सारे नागों के इंद्र जो है वो धर्णेंद्र है, वो धर्णेंद्र की जो पत्नी है महापत्नी पद्मावती माता जी की आज आप भक्ति कर रहे हो। ओम रेम श्री नागिन्य पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री नागदेवताये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री सिद्धांत संपन्नाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री द्वादशांगपराण्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री चतुर्थमहाविद्याय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री अवधि ज्ञान लोचनाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री वासंती पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री मनदेवी पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री मनमालाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री महेश्वरीय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री महागौराय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री महारुद्राय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री अभयंकरे पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री कालरात्रे पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री कंकाले पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री कालरात्रे पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री गंगाए पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री गांधर्वराई के पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री सम्यक दान संपन्नाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम सम्यक ज्ञान परान्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री सम्यक चारित्र संपन्नाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री नरोपकार कारिण्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम अगण्य पुण्य संपन्नाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम गणन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम गणनायके पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री पातालवासिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री पद्माय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री पद्मस्याय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री पद्मलोचनाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री प्रज्ञप्त्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री रोहिण्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री जुम्बाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री स्तंभिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री मोहिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री जयाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री योगिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री योग विज्ञानाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री मृत्युदारिंदवंजिन्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम शमाय पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री संपन्नतरिण्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम श्री सर्वपाप निवारिण्ये पद्मावत्ये नमः, ओम रेम ज्वालामुखे पद्मावत्ये नमः,
ओम रेम श्री ज्वाला मालिन्य पद्मावत्ये नमः। ओम रेम श्री वज्रशृंगलाय पद्मावत्ये नमः। ओम रेम श्री नागपाशधराय पद्मावत्ये नमः। देखो ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जिसका भी शरीर अंदर से सुकुड़ने लगता है, जिसको भी लग रहा है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, नजर दोष लगी है, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति यदि आपके ऊपर मोहित कर देता है, आपके शरीर को बांध देता है, तब आपको समझ लेना नागपाश नाम की जब विद्या होती है तो शरीर से आप अंदर से सुकड़ने लग जाते हो या शरीर एकदम फूलने लगता है। तो ये सारे नकारात्मक ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए माता जी का 78 अठ्योतेर का मंत्र है, ओम रेम श्रीम नागपाशधराय पद्मावत्ये नमः। पूजन करो, सभी लोग पूजन करो। ओम रीम श्रीम धौर्याय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्री दमनमंदिनाय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम हस्ताय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम प्रशस्त विद्याय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम आर्याय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम हस्तिन्ये पद्मावत्ये नमः। ओम रीम हस्तिमायिन्ये पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्रीम वसंत लक्ष्मी पद्मावत्ये नमः। ओम रीम गिरवाणी पद्मावत्ये नमः। ओम रीम सर्वाणी पद्मावत्ये नमः। ओम रीम पद्मविष्टराय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम बालार्कशंकाय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्रृंगारसनाय के पद्मावत्ये नमः। ओम रीम अनेकानुग्रंथाय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम चिंतितानुफलप्रदाय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम चिंतामणिये पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्री कृपावरुणाय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम पापारंभ विमोचिन्ये पद्मावत्ये नमः। कामधेनु समान माँ भगवती पद्मावती माता है, ध्यान से समझ लेना, जैसे कल्प वृक्ष, जैसे कामधेनु गाय, और जैसे पूरी तरह से चिंतामणि रत्न जगत के जीवों को प्रभाव देती है, उसी प्रकार से माता जगदम्बा पद्मावती माता सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करती है। इसके लिए 98 98 नवंबर का मंत्र है, ओम रीम कामधेनवे पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्रीम शुभयंकरे पद्मावत्ये नमः। ओम रीम सदर्मवत्सलाय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्रीम सतमोवस वर्धिन्ये पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्रीम सर्वपापशून्ये पद्मावत्ये नमः। और अभी 104 नंबर का मंत्र सभी लोग पक्का कर ले, कोई भी प्रकार की बीमारी है, दवा को हाथ में लेना है और ये मंत्र 9 बार गिन करके किसी को भी आप बराबर जो देते हो, ये मंत्र का नाम है ओम रीम सर्व रोग निवारिण्ये पद्मावत्ये नमः। पूजन करो, 104 नंबर का श्लोक, ओम रीम श्रीम गंभीराय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्रीम मोहिन्ये पद्मावत्ये नमः। ओम रीम श्रीम सिद्धाय पद्मावत्ये नमः। ओम रीम शेफाली दरुआसिन्ये पद्मावत्ये नमः। जिनके पास पुष्प हो तो पुष्प ले लीजिए, पुष्प नहीं तो पिरामिड ले लो हाथ में, सभी लोग पिरामिड ले लो, सभी के पास पिरामिड आ गया है। तो आज आपको बना लेना है, सोने से पहले पिरामिड आपको बनाना है। नवरात्रि दिवाली के 3 दिनों के अंदर इसी के ऊपर दिव्य शक्ति को आराधना करनी है। किन के पास आ गया है पिरामिड? सीता जी के पास आ गया है। कहाँ है पिरामिड आपके हाथ में? यस। और हमारे वैशाली जी के पास आ गया है। जिन जिन लोगों के पास में पिरामिड हाथ में रखो, आशा जी के पास में आ गया है। और कौन कौन लोग है हमारे? कल्पना बहन ने तो सारे परिवार के लिए कल 5 बंगाली एडवांस में ही सारे रिश्तेदारों को बांटेंगे, जितना ज्यादा खुशियां बांटेंगे। बहुत बढ़िया, देखो वैशाली जी के पास में भी आ गया है, स्थापन कर दिया वैशाली जी, जाप करते हो इसके सामने, जाप करो जो पिरामिड नहीं सामे एक नदी करता। ના સ્થાપન વિધિ નથી આવી હજુ સ્થાપન વિધિ કાલે બધાએ સ્થાપન કરી દેવાનું છે, પિરામિડ આવી ગયું છે ને? ક્યાં ગામથી બોલો છો તમે? મુંબઈ માઇન્ડર બસ તો બરાબર મુંબઈ ભાઈંદરમાં આ પિરામિડની તમારે સ્થાપન કરી દેવાનું છે, અને કાલે બરાબર દુર્ગાષ્ટમી છે તો ખૂબ ભાવ સાથે આના અગ્ર ભાગ મેં ઓર કુછ ભી સમજ મેં નહીં આ રહા હૈ, तो इसका जो अग्र भाग है, जो पिरामिड का ऊपर का जो भाग है, उस भाग के ऊपर कंटिन्यूस आपको देखते ही रहना है, क्योंकि तो इसके अंदर संगीता जी की आपके पास भी आ गया है,
कर दी थी संगीता मेंदा में, जिन जिन लोगों को बाकी है बराबर वो सभी लोग कल स्थापन कर देना है, और कल से बराबर नवरात्रि की आराधना भक्ति की साधना जो जो भी आपके इष्ट मंत्र है, क्योंकि इसके अंदर ककोड़ी है, इसके अंदर सारे गुरु भगवान। संगीता बेन क्या थी जो तुम्हें मैं भाई भाई क्लासेस में आ गया, आपके पास पिरामिड आ गया है, आ गया है, पर मंत्र क्या करने का वो मालूम नहीं। मंत्र आज आप ये सभी लोगों को व्हाट्सएप में आ जाएगा, बराबर है। क्लास हाँ खत्म होते ही मुझे मैसेज कर देना खूब श्रद्धा से, दुनिया की परम शक्ति चीज है जैन धर्म कोई के हैं, मैं शांत तकलीफ पन छे बहु। बहुत तकलीफ है ना, कहीं वांधो नहीं, हाँ हमें तुम्हारी साथे चाहिए। ओके बचा एक हज आराधना, नौपत जी आराधना साधना करते करते आप बड़े से बड़े फल को प्राप्त करो। चलो हाथ में रख लो पिरामिड। आखिरी एक बहुत अच्छा जबरदस्त मंत्र आपको सुनाता हूँ। ओम नमो भगवते त्रिभुवन। सभी लोग आंखें बंद कर दीजिए और या कपाल के बीच के अंदर पद्मावती माता का संस्मरण करो। सभी लोग आंखें बंद, कपाल के बीच में माता जी को संस्मरण करो, और माता जी की दिव्य कृपा आप रिसीव कर रहे हो और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ण हो रही है। ओम नमो भगवते त्रिभुवनोऽसुरकृतिचर्वारुणमूर्तिपद्मनयनपद्मनय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 पद्म
सर्वकारणी जादे जादे रूपट स्वाहा ओम माम क्रमणी पद्मे हरिम देवी मम सर्व जगत वास्यम गुरु गुरु सर्व विज्ञान नाशे ना गय ओम माम क्रोम रिम देम नाम देम पादरावर पद्मावती सर्व पूजन वास्यम शोभय शोभय ओ पादयो पाताल आकर्षण रिम नमः ओम माम क्रोम रिम मर मो पापा हना फटाफट दवा दवा बजा बजा पाजे पाजे घम भम भाम भीम सीम तम हंसम वही अवयव शाम रिम चुम जम जग सीम हाम राम रिम रोम रिम रो रिम रिम दावय दावय नमो रते भगवते श्रीमदे ठाटापमश्रीरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। पिरामिड की जो अणी है ना यहाँ पर आगरा चक्र पे लगानी है थोड़ी सी, जिनके पास नहीं है वो बराबर ऐसे करो, कल की जो शक्ति मुद्रा करो जिनके पास नहीं है वो, जिनके पास पिरामिड नहीं है वो शक्ति मुद्रा करो ऐसे, और ये जो हमारी तीसरे नंबर की फिंगर है उसको यहाँ पर, हमारा भाव एक हमारा आगरा चक्र, मेरा जन्म क्यों हुआ है और मैं कितना ज्यादा बढ़िया करके लोगों को, मेरे परिवार को खुशी दे सकता हूँ, इसकी जबरदस्त कोटि की साधना हम सभी लोगों को करनी है। पांच पावरफुल प्रयोग में बस छोड़ दीजिए, पांच प्रयोग में नवरात्रि के बेस्ट आपको बता रहा हूँ जो आपको करने हैं अपने घर के अंदर, और उसका मैक्सिमम जबरदस्त रिजल्ट आपको प्राप्त करना है। क्या ऐसा करें कि हमारे घर के अंदर अभी और भी 3-4 दिन की लोगों 3-4 दिनों के अंदर माताजी पधारे, सुगंध रूप से आए, प्रकाश रूप से आए, कुछ ऐसा कार्य हो, शाम को बराबर माताजी को नैवेद्य समर्पण करना। पहले नंबर के अंदर कल के दिन के अंदर खास करके आपको कोशिश करना है कि जीव दया का जो कार्य है, गाय को घास, आप आपका बुध पावरफुल बनाना चाहते हो और मनी को अट्रैक्शन करना चाहते हो तो गाय को घास का दान करें। दूसरे नंबर के अंदर अभी तो नवरात्रि के 2-3 दिन बाकी है, हो सके तो अभी, नहीं तो धनतेरस के दिन जब महालक्ष्मी पूजन करें तो कोई ना कोई जो है मुकुट जो है 3 प्रकार के, सोने के, चांदी के, नहीं तो आर्टिफिशियल में भी जो अच्छे से अच्छा आता है, अपने माता जी घर में जो कुलदेवी माता है उनके लिए एक छोटा सा आर्टिफिशियल भी बढ़िया से बढ़िया मुकुट जो है चढ़ाना है। कल जब भी आप नजर, कल सभी की नजर उतारना है, कल सुबह में सभी लोग मुझे फोटो खींच करके कद्दू का आपको भेज देना है, कैसे भी करके आपको मैनेज करना है, आखिरी नहीं हो तो फिर श्रीफल लाना है। पहले नंबर में घर का पूरे साल का कंकास निकालना है, तो आप कद्दू बराबर आज ला दिया तो बहुत बढ़िया था, कल व्यवस्था कर देना। कल आपको जब भी नहाने के लिए जा रहे हो तो 1 चम्मच दूध जो है, बहुत सारे लोग औषधि से तो स्नान कर ही रहे हैं, लेकिन कल 1 चम्मच चित्त की प्रसन्नता, मन की शांति के लिए स्नान के पानी में 1 चम्मच, या कपाल के ऊपर ही ये जो भाग है चंद्रमा का, खास करके
यहां पर आपको दूध डाल करके स्नान करना है। कल जब आप उतारा करने के लिए बैठो तो कोई ने कोई एक गहना, लो हमारे पल्लवी बहन ने ला दिया, 1 मिनट पल्लवी बहन अनमुटते जाओ, जिसको भी क्वेश्चन है, जिसको भी कद्दू में समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बराबर देख लो, सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए कैसा होता है। क्या दे लिया है तुम्हें? बिहारी बिहारी इस प्रकार का कद्दू सभी को लेकर के आना है, पूरे घर के। बहुत बढ़िया पल्लवी, बहुत शानदार। यस हाँ, आती गुजराती में जो उसको क्या बोलते हैं, गुजराती में कोड़ा, हिंदी में कद्दू, बंगा इनको स्वीट में जो बोलते हैं, वो बोलते हैं आकरा के जो पेठा होते हैं। तो आपका ये हो गया, कल जब भी पूजा करने के लिए बैठो तो कोई ना कोई आपको एक आभूषण ले पहन के बैठना है। कल आपको अष्टमी है तो खास करके अपने घर आने के बाद छोटी सी रंगोली बनाना है। कुछ भी आपको नहीं आता है तो साथिया भी बना देना, कुमकुम का साथिया। रंगोली जो है दक्षिण भारत के अंदर, कभी आप जाओगे महाराष्ट्र के अंदर, कई प्रांतों के अंदर जाओगे, हर दुकान के बाहर रंगोली होती है, हर घर के बाहर रंगोली होती है। ये रंगोली जो है आसो पालो का तोरण है, ये सारी अशोक के जो पत्ते होते हैं, सभी लोग लिख लो महीने में एक बार, दवाइयां इतनी हजारों लाखों रुपए की खाते हो, 100 रुपए का खाली तोरण आता है, अशोक के पत्तों के तोरण। विदेश वाले जितने भी है, कम से कम 2 पत्ते भी अशोक के बराबर। तो पूरे घर के अशोक वृक्षम सुरपुष्प वृष्टि, तीर्थंकर भगवंत के जब जहां पर विराजमान होते हैं, नमो अरिहंताणम जो आप बोलते हो, कल आप लोगों ने नमो अरिहंताणम की जो साधना की, क्योंकि तो अरिहंत परमात्मा के जो 12 अतिशय है, जिसके अंदर पहले नंबर का अतिशय है जिनका नाम है अशोक वृक्ष, परमात्मा की काया से 12 गुना बड़ा, ऐसा जबरदस्त कोटि का अशोक वृक्ष। तो आसो पालो का आपको तोरण बांधना है। और नजर उतारने के बाद एक सबसे गुप्त प्रयोग, हम किसी के घर में नजर उतारने के लिए जाते हैं तो आखिरी के अंदर, कल जब आपका दोपहर का खाना हो जाए, ध्यान रखना सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो जो राई है, सरसों है, नमक है, वो हमारी माताएं नजर उतार करके फिर सगड़ी चलाती थी, पहले के समय में सगड़ी थी, और उसके ऊपर अभी भी बहुत सारे लोग जो सरसों होता है, जो नमक होता है, वो सारी सभी लोगों के मस्तक के ऊपर बहुत भारी नजर लगी हुई है, तो गैस के ऊपर वो बराबर जला देते हैं। तो कब भी कल आप जब भी आपकी रसोई खत्म हो जाए, उसके बाद गैस को जो है 2 4 छींटे दूध के चार छींट करके, जिसको डिप्रेशन है, जिसको नींद की समस्या है, जिसको हेल्थ के बहुत इश्यू है, हमारा जो स्टव है उसके ऊपर ये करना है। और आखिरी एक प्रयोग, गुलाब जल की शीशी, उसके अंदर 1 ग्राम चांदी का सिक्का या कोई भी छोटा सा चांदी का सिक्का गुलाब जल की शीशी में डाल देना है, और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोने के अंदर कल से 24 घंटे रखना है, और फिर 24 घंटे के बाद वो गुलाब जल का पानी जो है, चांदी का सिक्का वापस मंदिर में रख देना, वो गुलाब जल का पानी से पूरे घर में पोछा लगाना है। अब हम 24 तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से पूरे शरीर को रिलैक्सेशन करेंगे। सभी लोग मस्तक के ऊपर हाथ रखिए, जहां जहां मैं हाथ रखता हूं सभी लोग बराबर हाथ रखिए, एक एक अंगों को याद रखना है,
फिर ये सारे मंत्र हम आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे कि दूसरे को जब भी आप हीलिंग करो तब इस प्रकार के एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरी तरह से शुद्धिकरण के साथ में वो पूर्ण स्वस्थ बन चुका है। बराबर यहाँ पर मस्तक के ऊपर हाथ रखिए। माइग्रेन की जिसको समस्या है, माथा दुखता रहता है, माथे के लिए ओ सभी लोग बोले ओम रेम श्रेम ऋषभ देवाय नमः। आंखों के ऊपर हाथ, सभी लोग आंखों के ऊपर हाथ रखिए। अपनी आंख, मेरी आंखें एकदम ऊर्जावान है, मेरी आंखें पूर्ण स्वस्थ बन चुकी है। जिनको डायबिटीज है, जिनको मोतिया है, जिनकी आंखों का विजन कमजोर है, अजितनाथ भगवान के मंत्र से ओम रेम श्रीम आराम श्री अजितनाथाय नमः। कानों के ऊपर हाथ रखिए, दोनों कानों के ऊपर, दोनों हाथ मेरे हाथ में, मेरा एक हाथ है आपको दो, मैं एक हाथ में पुस्तिका है, तो आप दोनों हाथों से इसे रखिए। यस, सारी क्रिया दोनों हाथों से करना। दोनों कान जो है पूर्ण रूप से, कानों की सारी चीजें, कानों की जितनी भी छोटी छोटी नसें हैं पूर्ण रूप से आपकी एक्टिव हो चुकी है। ओम रेम श्रीम संभव नाथाय नमो नमः। खास करके नाक, नासिका के ऊपर, नाक के ऊपर हाथ रखिए सभी लोग। जिनको बहुत सारा कफ होता है, नाक में से पानी निकलता है, नाक के अंदर भी हड्डी जिसकी बढ़िया हो बड़ी हो रही है, क्योंकि तो नाक के संबंधी सुगंध नहीं आ रही, कभी कभी स्माइल को समझ ही नहीं पा रहे, हाथ यहाँ पर रखिए। ओम रेम श्रीम अरहम श्री अभिनंदन स्वामी ने नमः। होठ के ऊपर जिनके बड़े बड़े होठ होते हैं, जिनके होठ लच जाते हैं, नीचे झुड़क जाते हैं, वो हमेशा भुलक्कड़ होते हैं हमारे होठ, खास करके ओम रेम श्रीम अरहम श्री सुमति नाथाय नमः। खास करके आज मैं आपको एक लेसन देता हूं, जीवन के अंदर 2 बार ब्रश करो, 2 बार। एक बार में मैं इंदौर जा रहा था और वहां पर जिन्होंने पूजन डॉक्टर साहब हमारे भक्ता मारीलर, उनका नया बंगला बनाया रिमकारगिरी तीर्थ के ऊपर, मेरे हाथ से इन्होंने वास्तु कराया, तो मुझे स्टेशन के ऊपर जो लेने आए थे बहुत बड़े आनंद के डॉक्टर थे। रास्ते में हम सारी बहुत सारी बातें कर रहे थे, बोले आपके काफी सारे वीडियो देखते ये वो, मैंने पूछा दांत के लिए मुझे कुछ बताइए, तो बोले मैक्सिमम लोग अपनी दांत की सुरक्षा करते नहीं है। इतने सारे लोग हैं, मुझे बताइए दोनों टाइम ब्रश करने वाले कितने हैं, दोनों टाइम प्रॉपर ब्रश करने वाले लोग 2 लोग दिखाए, 3 लोग, आशा जी हमारे, वैशाली जी, डॉक्टर प्रिया, दक्षा जी, और पीछे और भी 2-3 लोग, यशुप, सीता जी, संगीता जी, पारुल जी, संघवी, कल्पना जी, दोनों टाइम, और उसमें भी बराबर जितने भी और भी किया है बहुत सारे लोगों ने, और मेरी बात समझो सुनील जी, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम आप चीज समझ लो, मंत्र जाप आपके तभी सफल होंगे कि जब आपने ब्रश और उल जो टन बोलते हैं, जीभ आप जब तक साफ नहीं करते हो, 8 प्रकार की अशुद्धि, जैसे मेले कपड़े के अंदर जाप नहीं किया जाता है, जैसे गंदी शरीर में से बदबू आती है तो जाप नहीं किया जाता है, तो जो भी लोग अपनी टन को साफ नहीं करते हैं वो भी 8 शुद्धि में से एक अशुद्धि बताई गई है। तो जब भी आप ब्रश जाप कर रहे हो तो ब्रश बराबर करना है और बराबर जीभ को क्लीन करना है। दांतों की वेदना, दांतों का हीलिंग खास लेना है, जिसको दाढ़ बढ़ रही है, और जो दापण की दाढ़ गुजराती के अंदर कहवाते हैं, एक दापण की दाढ़ आ जाती है राड़ निकल जाती है, तो कि हमारी दांतों की समस्या नहीं हो, दांतों में सड़न नहीं हो। हाथ रखिए सभी लोग, ओम रेम श्रीम पद्म स्वामी ने नमः। जीभ के ऊपर ओम रेम श्रीम सुभासनाथाय नमः। गले के ऊपर, ये ऊपर का भाग जो तालवा है, ओम रेम श्रीम चंद्रप्रभ स्वामी ने नमः। गले के ऊपर हाथ रखो, इससे कंठ के अंदर, कि आपके कंठ के अंदर ऐसा जबरदस्त कोटि का राग आए, ऐसी तीव्रता आए कि आप जो भी बोलो लोग आपका सुनने के लिए रेडी हो जाए। थायराइड जिनको भी है इनके लिए भी ये मंत्र बहुत पावरफुल है। ओम रेम श्रीम सुविधिनाथाय नमः। छाती के ऊपर बाईपास जिनको कराना है, छाती में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ओम रेम श्रीम चितरनाथाय नमो नमः। बाहु के ऊपर ऐसे हाथ रखे दोनों हाथ, ओम रेम श्रीम श्रेयांशनाथाय नमो नमः। दोनों हाथ जोड़िए, हाथ को पूरा ऐसे करना है, हाथों को ऐसे घुमाते रहिए सभी लोग, ओम रेम श्रीम श्रेयांशनाथाय नमो नमः। अब पूरी तरह जिनको शरीर का मतलब वजन नहीं उठा पा रहे हैं, शरीर थोड़ा 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 उनके जो सेल से डाउन हो रहे हैं, तो पूरे शरीर को ऐसे हाथ घुमाइए सभी लोग, पूरे शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे शरीर के ऊपर हाथों को घुमाते घुमाते, ओम रेम श्रीम वासु बुद्धि स्वामी ने नमः। देखिए
देखो मंगल ग्रह आपके जीवन के अंदर जिम्मेदारी, जो भी लोग जिम्मेदारी लेने के छटक रहे हैं, खास करके उन सभी लोगों के लिए, ऐसे करते करते वासुपूज्य स्वामी जी भगवान और विमलनाथ भगवान नाखून के लिए ऐसे हाथ करते रहिए, दोनों नाखून को घिसते रहिए, ओम रेम श्रेम अनंत नाथाय नमो नमः। खास करके नख को कभी बड़े नहीं करना है, और साधना के दिनों में जिनको शौक है बाकी के टाइम आप करते रहिए, लेकिन साधना के दिनों में नहीं कभी भी करना है। उधर यानी पेट के ऊपर हाथ रखो, पेट के ऊपर ओम रेम श्रेम शांति नाथाय नमो नमः। जो हमारा गुप्त भाग है वहां पर हाथ रखते हुए ओम रेम श्रेम कुंतु नाथाय नमो नमः। कमर के ऊपर हाथ रखो, कमर के ऊपर पीछे हाथ रखिए सभी लोग। ये खास जरूरी है, जिनको भी अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती है उनको हमेशा कमर की पीड़ा सताती है। ओम रीम श्रीम अरनाथाय नमो नमः। कमर के ऊपर जो हमारा वासा है, कमर के ऊपर के भाग के ऊपर हाथ लगाइए सभी लोग बराबर। ओम रीम श्रीम मल्लिनाथाय नमो नमः। हमारी जो जांग है, पेट से लेकर ढीचण के बीच का जो भाग का पैर का भाग है, वहां पर स्टोली स्टोली सभी लोग हाथ घुमाइए। जितने भी तीर्थंकर भगवान धोते हैं, खास करके पार्श्वनाथ भगवान का लंचन क्या था, किसी को बताया तो फटाफट टाइपिंग करो, पार्श्वनाथ भगवान का लंचन क्या था। पार्श्वनाथ भगवान का, प्रिया जी ने फटाफट करके जवाब दे दिया, पार्श्वनाथ भगवान का लंचन, और किसी को नहीं पता है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर भगवान तो जैसे ही जन्म लेते हैं, भगवान की जमणी जांग यानी परमात्मा का जो राइट पैर है, हमारा नाभि से लेकर ढीचण तक का जो भाग पग का रहता है उसको जांग बोलते हैं, वहां पर उसका टेटू होता है। टेटू का भी इतना जबरदस्त कोटि का विज्ञान है, ये पूरी एक जबरदस्त कोटि की चिकित्सा पद्धति है। तो पार्श्वनाथ भगवान का जैसे ही जन्म हुआ, उनकी माताओं ने उनके परिवार जनों को देखा कि उनके राइट पैर के ऊपर सर्प था। आदिनाथ भगवान का लंचन क्या है, आदिनाथ भगवान का लंचन पेट्रोल, आदिनाथ भगवान का वृषभ, या सुपर बेल बराबर। तो ऐसे 24 तीर्थंकर, सभी लोग अपनी जांघ के ऊपर हाथ घुमाइए पैर के ऊपर, ऐसे स्लोली स्लोली स्लोली। मुनि सुवरत स्वामी जी भगवान, ओम रेम श्रेम मुनि सुवरत स्वामी ने नमः। कभी कभी आपको ये भाग बहुत दुखता हो, बहुत चल के आ गए हो और आपको लग रहा है बहुत दर्द कर रहा है पैर मेरे, तो आप बराबर 7 बजे 8 बजे सोफा के ऊपर बैठे बैठे घूमे, धीरे 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 घुमाते घुमाते आप ये कर सकते हैं। दोनों पैर नीचे, ढीचण से नीचे के भाग अब पैर के ऊपर करना है, पलाठी बराबर लगा दीजिए, पैर ऊपर ले लीजिए, पैर के ऊपर जिसका बीट पैर काम है, जिनको पैर बहुत दुखता है, बराबर दोनों हाथों से दोनों पैरों के ऊपर घुमाते घुमाते ओम रेम श्री मारम श्री नेम इनाथाय नमो नमः। दोनों पैर की अंगुलियों को, एक एक अंगुली को टच करो खास करके, और थोड़ा जोर से दबाइए, देखो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर, हर बीमारी की जगह आपके पैर और हाथ है। दबाइए सभी लोग एक एक अंगुली को जोर से दबाइए, थोड़ा थोड़ा दोनों पैर की अंगुली को दबाते दबाते ओम रेम श्रीम हर हम श्री नेमिनाथाय नमो नमः, नमिनाथाय नमो नमः। दोनों हाथ से आगे करो सर्व रक्षात, और उसके लिए जिरावला पार्श्वनाथ भगवान का अद्भुत मंत्र है, ओम रीम श्रीम हर हम श्री जिरावला पार्श्वनाथाय रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। बस खाली 7 बार ये मंत्र सुबह सुबह में, ओम रीम श्रीम हर हम श्री जिरावला पार्श्वनाथाय रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा, 7 बार ये अद्भुत मंत्र बोल लो, और वापस छाती के ऊपर हाथ रखो कि मैं क्यों आया हूं। बार 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 भगवान को, अपने आप को प्रश्न पूछो, कोई भगवान आपने मुझे इस संसार में क्यों भेजा है, मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण ये दुर्लभ ऐसा मनुष्य भोग को सफल बना दूं, हजारों लोगों को मैं खुशियों को बांट दूं, हजारों लोगों के जीवन के अंदर प्रसन्नता को बांट दूं। तो ये बार 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 आपको अनुमति, जब जब भी आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रखेंगे कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मेरे गुरु मुझे बार बार शिक्षा दे रहे हैं, और ये दुनिया भर की हजारों चीजों को मैं जो सीख रहा हूं उसका मैं मैक्सिमम उपयोग करते हुए कई सारे लोगों को जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करूं। सभी लोग बराबर कमर से रट्टा बैठ जाइए, दिया धूप आप लोगों ने कर दिया है,
अक्षत, नैवेद्य और फल तीनों चीजें आप हाथ में ले लीजिए। आखिरी आपके मंत्र में सुना रहा हूं, ये दिव्य मंत्र को सुनाते सुनाते जगत जननी पद्मावती माता आपके साथ पूर्ण रूप से प्रसन्न हो। थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मी भाग्यदायिनी वांछा पूर्णि रिद्धिम सिद्धिम जयम 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 गुरु गुरु स्वाहा। जितने भी चावल है, चार पांच दाने चावल, सारे यंत्र के ऊपर दो दो चार चार दाने चावल चढ़ा दीजिए। और ये सारे चावल यदि शाम को आप चावल पुलाव खिचड़ी बनाने वाले हो तो उसी में आपको उपयोग करना है। उसके बाद आप नैवेद्य ले लीजिए। ओम सर्व जन मोहिनी सर्व ज्ञान करणी गर्जनी माँ भगवती पद्मावती मम गुरुये लक्ष्मी पूरे पूरे संकट चूरे चूरे रिद्धिम सिद्धिम जयम 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 गुरु गुरु स्वाहा। ओम रिम सिम पद्मावत्य नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा। मिठाई रख दीजिए, बराबर बीच के अंदर मिठाई को रख दीजिए और दो दो कणिया सबको बांटना है। आसपास वाले दो चार घर को भी, पद्मावती साकर है जो भी आपके पास मिठाई है, और खास करके आखिरी फल जो है फल हाथ में ले लीजिए। नमो न सिद्धाचार्य। ओम सर्वजन मोहिनी सर्व कार्य करणी विकर्षण करणी माँ भगवती पद्मावती मम गुरुये लक्ष्मी पूरे पूरे संकट चूरे चूरे रिद्धिम सिद्धिम जयम 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 गुरु गुरु स्वाहा। ओम रिम सिम पद्मावत्ये फलम समर्पयामि स्वाहा। ओम रिम सिम पद्मावत्ये फलम समर्पयामि स्वाहा। ओम रिम सिम पद्मावत्ये फलम समर्पयामि स्वाहा। कपूर है तो कपूर प्रगटा दो, दिया प्रगटा दो। माता जी की आरती में बोलता हूँ, सभी लोग आरती उतारिये। घंटड़ी है तो घंटड़ी बजाइए सभी लोग। बराबर कपूर की आरती माता जी की करने में आ रही। सभी लोग आज जिन्होंने भी पूजा किया है उन सभी लोगों का पूर्ण रूप से नजर कामण कुटन दोष का निवारण हो। कपूर प्रगटा दीजिए, सभी लोग कपूर को प्रगटाइए। नमो रसिदाचार्युपाध्याय सर्वसाधुभ्य। प्रगटा दीजिए, सभी लोग कपूर को प्रगटा दीजिए। और आंख बंद करते हुए खास करके कल कोड़ू लेकर के बैठना, थोड़े कागज लेकर के आ जाना। और खास करके बराबर का अष्टगंध हो तो अष्टगंध से, और पेन से हो तो पेन से थोड़े 10 15 25 यंत्र बनाओ जिससे खुशियों को बांटो। जितना ज्यादा लोगों को जरूरियात है उन सभी लोगों को कल यंत्र बनाने की अद्भुत विधि और सारी नकारात्मक एनर्जी को निकालने का प्रयत्न करेंगे। देवी पद्मावती आरती तुम्हारी मंगलकारी जय जयकारी पार्श्व प्रभु जय सर पर तारे भक्ति करता तो भक्तों ने तारे उज्ज्वल वरणे मूर्ति सुसोए निरखी हरखी सहुजन मोहे सप्त कुकुट सर्प नवाहन बेसी भद्रासन थे शोभे चिरूड़ी सप्त परा शोभे मनोहारी नयन मनोहर परिकर नारी देवी पद्मावती आरती तुम्हारी मंगलकारी जय जयकारी कमल पास फल रूडू संगे चार भुजा कलमयंगे शीघ्र प्रणा तू संकट ताड़े विघ्न विदारे वांछित आले कर्णेन्द्र देवन देवी छो न्यारा पार्श्व भक्तो ना दुख हर नारा जैन अनुष्ठान नगरे पार्श्वनाथ शिखरे दर्शन करता दुख सहु विसरे धर्म प्रतापे आशीष दे जो सुयस से देने मंगल कर जो। बोलो श्री पद्मावती मात की जय। दिया आगे रख दो, उसके ऊपर से 3 बार हाथ घुमाओ और अपनी ही ओरा का पूर्ण शुद्धिकरण करो पूरे शरीर के ऊपर। जब जब भी शरीर में बहुत भार लगता है, रोना आता है, नकारात्मक एनर्जी फील होती है, तो इस प्रकार से पूरी तरह से आप साधना कर सकते हो। खूब आप सभी लोग आगे बढ़ो, फलो फूलो, जीवन के अंदर प्रगति को प्राप्त करो। कल के पूरे पूजा सावन के साथ में वापस पुनः 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 मिलते हैं। कल फटाफट भी जिसका भी पिरामिड लेना बाकी है वो फटाफट ऑर्डर करके पिरामिड की पूर्णिमा के दिन धनतेरस के दिन स्थापना करते हुए बहुत बड़ी सिद्धि को, बहुत बड़ी खुशी को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ में जिला कुछ भी बोला गया हो मनोचन गाय करम इच्छा में दुक्रम। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। ये पूरा सामान जो है आप माता जी का प्रसाद है, घर के सारे मेंबर को प्रसाद के रूप में बांट देना।